गए नाश्ता करने के लिए। चलते हैं नाश्ता करके आगे। इसके दोस्त ये बुरे अजून कोण नाही पांडे। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ब्लॉगिंग स्टार में। तो आज मैं आया हूँ मेरे दोस्तों के साथ जाम सावली, जो कि नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पे आपको मिल जाएगा, जो एमपी में आता है ये। तो चलिए आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने प्रसाद लिया सिर्फ 50 रुपये में, और हमारे बैग और शूज़ यहीं पे रखे, वो भी फ्री में। तो निकलते हैं हाथ धो के सामने मंदिर में, यही सामने से रास्ता। चलो प्रसाद लिया, अभी चलते हैं, 12 बजने वाले, मंदिर बंद होने वाला है, उसके पहले चलते हैं अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर के अंदर महिला प्रवेश वर्जित है यहाँ पे। आरती सुबह 5:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। महिलाएं बाहर से देख सकती है। चलिए लेते हैं अब तीर्थ, और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि तीर्थ में से हमारे चर्म रोग दूर होते हैं। जय श्री राम।
यहाँ पे, इधर जगह है नारियल तोड़ने के लिए नीचे। नारियल इधर तोड़ेंगे अभी। और एक मंदिर बाबा का, भोले बाबा का मंदिर। फिर 12 से 2 बंद रहता है और उसके बाद 12:15 से 2 तक महाप्रसाद यहाँ पे मिल जाएगा प्रसादालय में। ये देखिए भीड़ प्रसाद लेने के लिए। संडे को वैसे भी भीड़ कम रहती है, लेकिन सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे हाथ सामने से प्लेट मिलेगी और यहाँ पे पंगत बैठती है ऐसे। तो अभी हम आ गए महाप्रसाद लेके, गए चलते वाटरफॉल की तरफ। और इसकी एक खासियत, आते समय भी 40 चालू होता है और जाते समय भी 40 आपको पढ़ने मिलेगा। फिलहाल बारिश का मौसम, इसलिए पूरा ये नदी जाम नाम का भरा हुआ। और सामने जाते ही आपको मिलेगा वहाँ पे नीचे वाटरफॉल, जिसे गोगरा वाटरफॉल कहते हैं। तो चलते हैं हम ऐसे साइड साइड से, चलिए लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई अभी, धीमी धीमी देख रहे हैं आप। चलो चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से बच के तो आप देख पा रहे हैं ये वाटरफॉल का नज़ारा। ऊपर से बारिश शुरू है और ये सामने वाटरफॉल।
कानपुर के बाहर। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा हनुमान जी का जामसवली मंदिर और कोगरा वाटरफॉल, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।